एक तरफ जहां देश में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं मौसम ने भी अप्रैल महीने के आखिरी में तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अब गर्मी बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में अगले 5 दिनों के दौरान हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा में रविवार यानी 28 अप्रैल तक हीट वेव चलने का अनुमान है और ऐसी स्थिति आज से शुरू हो जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने ये भी बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से 26 से 28 अप्रैल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। गुरुवार रात एक बार फिर राजधानी के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। ये बारिश हल्की रहेगी और इसका तापमान पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तेज हवाएं चलेंगी, इनकी स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक पहुंच सकता है। 26 अप्रैल के रात के समय एक दो जगह पर बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री के स्तर तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके बाद 27 अप्रैल को एक बार फिर आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं 28 से 30 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां पर 27 और 28 अप्रैल को भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इससे हीट वेव पर कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में 27 और 28 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 27 अप्रैल को भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें 26 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से शुक्रवार को रात के समय दिल्ली में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसका असर मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर पड़ेगा और यहां गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। 28 अप्रैल से राजस्थान और दिल्ली का मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद मैदानी इलाकों में बारिश पर लंबा ब्रेक लग सकता है, जिसकी वजह से अप्रैल के अंतिम दिनों और मई की शुरुआत में तेज गर्मी पड़ेगी। इस दौरान दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में तापमान सीजन में पहली बार 40 डिग्री के पार हो सकता है और गर्मी का ये दौर लंबे समय तक चलने की संभावना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।